नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम भरत सावनारी है और हुंडई क्रेटा जो है बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ये गाड़ी जो है इंडिया में ऑटो एक्सपो में जो है अगले साल लॉन्च हो सकती है। ये गाड़ी जो है चाइना में लॉन्च हो चुकी है। इसका नाम चाइना में जो है iX25 है। ये गाड़ी जो है इंडिया में एक बिल्कुल ही नए प्लेटफॉर्म और इंजन के साथ जो है लॉन्च होगी। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें जो है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है और 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आएगा। इसमें जो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। इसमें जो है 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर भी हो सकता है जो हुंडई की वेन्यू में हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये गाड़ी जो है BS6 होगी, जिसकी वजह से इसकी एवरेज भी बहुत ही अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी जो है बहुत ही अच्छा होगा और इसकी हैंडलिंग भी जो है बहुत ही अच्छी हो सकती है। ये गाड़ी जो है एक बिल्कुल ही नए प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च हो रही है, जिसकी वजह से इसका वेट जो है पहले से कम हो चुका है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 30 mm जो है ज़्यादा हो गई है, लंबी हो चुकी है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 10 mm ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 45 mm कम हो गई है। अगर इसकी व्हील बेस की बात करें तो ये 20 mm ज़्यादा होगा। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसकी डिज़ाइन जो है सेंटर फाइस जैसी और पहले साइज जैसी हो सकती है। इसकी केबिन जो है टेस्ला जैसी हो सकती है। इसमें जो है एक बहुत ही बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें से जो है हर एक चीज़ वहीं से ऑपरेट हो सकती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये 10 लाख से स्टार्ट होगी और 16 लाख तक जो है जा सकती है। इसकी कंपटीशन जो है निशान किक्स, किया SP2 और टाटा हायर के साथ जो है हो सकती है। ये गाड़ी जो है सबसे पहले 5 सीटर में ही इंडिया में लॉन्च होगी, उसके बाद जो है ये गाड़ी 7 सीटर में भी जो है लॉन्च हो सकती है। इसकी कंपटीशन जो है टाटा हायर 7 सीटर के साथ हो सकती है। इस गाड़ी में जो है 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर